हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जिसकी मदद से आपका फ़ोन चोरी होने के बाद भी आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में होता क्या है, अगर कोई आपके फ़ोन में गलत पासवर्ड एंटर करेगा तो उसका फ़ोटो ये पिक कर लेगा, उसके बाद इस फ़ोटो को वो आपके जीमेल आईडी पर भेज देगा। तो इस तरह से आप उसके फ़ोटो से उस फ़ोन को पकड़ सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को हमने पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वहीं पर आपको इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सिंपल यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ से इस एप्लीकेशन को हम परमिशन दे देते हैं। तो ग्रांट डिवाइस एडमिन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉलिसी है तो इसको आई अंडरस्टैंड कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वो ईमेल आईडी डालेंगे जिस पे भी हमें फोटोज़ चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे फ़ोन में कोई भी गलत पासवर्ड या फिर पिन को एंटर करेगा तो उसका एक पिक्चर यहाँ पर पिक हो जाएगा और वो हमारे सीधी गूगल ड्राइव पे पहुँच जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हम अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लेते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, मैं उसी से लॉग इन यहाँ पर हो चुका हूँ। तो सिंपल यहाँ पर हम ओके वाले आइकॉन पर क्लिक कर देते हैं और बस फ्रेंड, अब यहाँ पर हमारा काम बन चुका है। तो यहाँ पर अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है किसी भी थीफ को डिटेक्ट करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी किसी भी ऑप्शन में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर देते हैं या फिर यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को कट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अपने फ़ोन में लॉक लगा देते हैं और लॉक को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम गलत पैटर्न को एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक फ़ोटो पिक हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर बार बार यहाँ पर गलत पैटर्न डालेंगे तो हमारी लगातार यहाँ पर फ़ोटो पिक हो जाएगी और ये फ़ोटो ऑटोमेटिक ही हमारे गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है, हम चाहें तो यहाँ से इस नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं ताकि जो भी पैटर्न डाले उसे ये पता ना लगे कि उसकी फ़ोटो यहाँ से पिक हुई है या नहीं। तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देते हैं और अब हम यहाँ पर अगर कोई भी गलत पैटर्न डालते हैं तो यहाँ पर अब कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा और फोटो ऑटोमेटिकली क्लिक होकर हमारी गूगल ड्राइव पे पहुँच चुकी होंगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि गूगल ड्राइव पे हमारी किस तरह से फ़ोटो पहुँच चुकी है और हम इसे किस तरह से देख सकते हैं। सिंपल यहाँ से हम अपनी गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक हो चुके हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर एक हमें फ़ोल्डर भी मिल जाता है जिसमें सारे फ़ोटो क्लिक होंगे। तो ये है हमारा फ़ोल्डर और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इमेजेस सेव हो चुके हैं। तो यहाँ से हम इन फ़ोटोज़ को देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।